आज जो घटना बदलापुर में हुई, अभी बंगाल के घटना से हम महिलाएं इस देश की उभरी नहीं थी कि महाराष्ट्र में 3.5-4 वर्षों की बच्चियों के साथ, जो खुद से इंडिपेंडेंटली चल नहीं सकती, ऐसी बच्चियों के साथ ऐसा अत्याचार होता है। हम इस देश की महिलाएं, एक प्रश्न जरूर हमारे दिल में है। कल मैंने खुद एक राखी की पोस्ट जब डाली तो मैंने सभी भाइयों से मेरी विनंती की थी कि जिस हाथ को, हाथ में हम राखी बांधते हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ने चाहिए, ना कि अत्याचार के लिए बढ़ने चाहिए। पर दुख इस बात का है कि राखी को बीते अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और जहां पर छोटी बच्चियों के साथ ऐसी राक्षस बुद्धि के कई विचारधाराओं के लोगों ने इस तरीके से अत्याचार किया। मैं विनंती करती हूं, और हमारी सरकार, गृह मंत्री हमारे राज्य के, महाराष्ट्र के सक्षम है, हमारे मुख्यमंत्री सक्षम है, जिन्होंने ये केस को फास्ट ट्रैक में भेजा। पर दुख इसी बात का है, वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, ये चीजें सुन सुन के कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ ये अत्याचार करने वाले लोग वेस्ट बंगाल से, तो ऐसी चीजों सुनने के बाद कि मुख्यमंत्री महिला रहने के बाद उस पीड़िता को जिसने इस तरीके से कृत्य किया, उस अत्याचार करने वाले व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए एक लेडी मुख्यमंत्री आई, तब दुख लगता है कि पॉलिटिकल राजनीति करने के लिए, अपने मतों का बचाने के लिए इस तरीके से एक मुख्यमंत्री महिला बचाव करती है। मैं विनंती करूंगी कि हमारी महिलाओं की, इस महाराष्ट्र में, देश में कहीं पर भी जो महिलाएं, उन्हें सिर्फ यही अपेक्षा है कि हमारी जितनी महिलाएं, वो सिर्फ एक ही न्याय मांगती हैं कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को चौराहे पे लाकर उन्हें फांसी दी जाए, जो कायदा हम लोगों ने बनाया उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, जिससे ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को दिमाग में ये डर जरूर हो कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हम लोगों को ये सरकार और ये देश नहीं छोड़ेगा। सिर्फ मतों की राजनीति के लिए महिलाओं की बलि मत लीजिए।